दोस्तों, जब भी आप एक नया स्मार्टफोन खरीदे ना, आपके पास थोड़ा नॉलेज होना चाहिए, आपको थोड़ा रिसर्च करनी चाहिए। अब दोस्तों, मैं आपको एक बात बताता हूँ कि पिछला जो लॉकडाउन था ना, उसके अंदर यूट्यूब पे काफी सारे वीडियो वायरल हो रहे थे, क्योंकि सभी लोग घर में थे और खास करके गेमिंग के जो वीडियो है ना, काफी ज्यादा वायरल हो रहे थे। तो मैंने पबजी की वीडियो देखे जिन पे काफी अच्छे खासे व्यूज आ रहे थे और लोग काफी अच्छी अर्निंग भी कर रहे थे। तो मैंने सोच लिया था कि मुझे भी यूट्यूब पे गेमिंग के वीडियो डालना है, लाइव स्ट्रीम करना है। अब इसके लिए दोस्तों, हमारे पास या तो एक अच्छा पीसी या लैपटॉप होना चाहिए, या फिर हमारे पास एक अच्छा स्मार्टफोन होना चाहिए जिसके अंदर हम गेमिंग को प्ले कर सकते हैं, गेम खेल सकते हैं और उसका वीडियो बना के या फिर लाइव स्ट्रीम हम यूट्यूब पे कर सकते हैं। तो मेरे पास कोई अच्छा फोन नहीं था, तो मैंने सोचा कि चलो हमें एक अच्छा फोन लेके आते हैं और उसमें पबजी को इंस्टॉल करेंगे और लाइव स्ट्रीम करेंगे यूट्यूब पे और उससे अर्निंग करेंगे। तो मैं भाई चला गया मार्केट फोन लेने के लिए। अब वहां पे शॉप पे जाके देखा, काफी सारे स्मार्टफोन मैंने देखे, तो एक स्मार्टफोन मुझे पसंद आया जिसके अंदर दोस्तों लगी थी 6 GB रैम थी और 64 GB स्टोरेज थी, 5000 mAh की बैटरी थी। कुल मिला के मतलब मुझे फोन काफी पसंद आ गया था, डिजाइन भी काफी अच्छी थी। तो मैंने सोच लिया था कि भाई यही फोन लेना है मेरे को, इसी में मैं लाइव स्ट्रीम करूंगा। अब मैंने फोन को बाय कर लिया तो काफी खुशी हो रही थी कि घर पे जाके इसके अंदर पबजी इंस्टॉल करेंगे और सीधा लाइव स्ट्रीम करेंगे यूट्यूब पे। ठीक है, घर पे आए, आने के बाद पबजी इंस्टॉल किया, एक दो मैच उसके अंदर मतलब खेले। तो मैंने सोचा कि चलो अब हम लाइव स्ट्रीम करते हैं यूट्यूब के ऊपर। अब मैंने अपने फोन के अंदर एक ऐप इंस्टॉल कर लिया, जो लाइव स्ट्रीम का ऐप होता है ना, जो गेम को लाइव स्ट्रीम यूट्यूब पे करते हैं। तो मैंने एक ऐप इंस्टॉल कर लिया, अब मैंने पबजी को प्ले किया, ठीक है, और मेरे चैनल के ऊपर लाइव स्ट्रीम चल रही थी। अब दोस्तों हुआ क्या कि जैसे मैं मैदान के अंदर उतरा गेम खेलने के लिए, पबजी के लिए, मेरा जो प्लेयर था ना, उसको जैसे ही मैंने ग्राउंड के ऊपर उतारा तो वो वहीं पे चिपक गया और एक बोट आया जिसने मेरी पेटी बना दी। अब मैंने सोचा कि यार बोट ने पेटी कैसे बना दी, मेरा जो प्लेयर था वो ऐसे चिपक कैसे रहा है। ठीक है, उसके बाद मैं बैक आया, फिर से एक दो बार ट्राई किया तो सेम प्रॉब्लम आ रही थी। कभी तो मैं प्लेन से जैसे नीचे आ रहा था तो हवा में चिपक रहा था, कभी नीचे चिपक रहा था, कभी कोई बोट आता और पेटी बना के चला था, पता ही भी नहीं चलता कि पेटी कब बना दी, किसने बना दी। तो ऐसा हो रहा था, तो मुझे समझ नहीं आ रहा था कि यार ऐसा हो कैसे रहा है। ठीक है, तो बाद में मुझे पता चला कि यार इसके अंदर कमी क्या है, क्योंकि दोस्तों वो जो स्मार्टफोन था ना, उसके अंदर जो प्रोसेसर लगा था बिल्कुल घटिया क्वालिटी का प्रोसेसर लगा था, इसलिए मेरा जो फोन है ना वो बार बार हैंग हो रहा था। मेरा जो पबजी है ना, जो बार बार जो प्लेयर है ना, वो चिपक रहा था, मतलब बोट पेटी बना के जा रहे थे। तो दोस्तों ऐसा हो रहा था उसके अंदर लगे प्रोसेसर की वजह से, क्योंकि वो बिल्कुल घटिया क्वालिटी का था और उसके अंदर जो क्या बोलते हैं, मतलब प्रोसेसर है ना, वो पूछो मत कौन सी कंपनी का था, क्या था क्या नहीं था, बिल्कुल घटिया क्वालिटी का। ठीक है, उसके वजह से हो रहा था। इसलिए दोस्तों मैं आपको बताना चाहता हूँ कि मतलब जब भी आप एक नया स्मार्टफोन खरीदे ना, तो आपको नॉलेज होना चाहिए। जैसे कि गाड़ी के अंदर जो इंजन है वो जितना पावरफुल होगा, गाड़ी उतनी ही पावरफुल होगी। इसलिए दोस्तों हमारा जो स्मार्टफोन है उसके अंदर जो प्रोसेसर है ना, वो जितना दमदार होगा, जितना पावरफुल होगा, हमारा स्मार्टफोन उतना ही अच्छा काम करेगा, उतना ही मतलब दमदार हमारा फोन होगा। इसलिए गाइस, जब भी आप एक नया स्मार्टफोन खरीदें तो दोस्तों उसका जो प्रोसेसर, उसको आप एक बार जरूर देखें कि वो कितने नैनोमीटर के ऊपर बेस्ड है, कितने नैनोमीटर पे वो काम करता है, कितने गीगाहर्ट्ज़ का है, कितने कोर का है। एक बार दोस्तों आपको जो प्रोसेसर है उसका नॉलेज जरूर लेना है, एक बार आपको उसको जरूर चेक करना है, वरना तो आपके जो पबजी जो प्लेयर्स है ना, उसकी पेटी बोर्ड बनाते रहेंगे और आपके जो पैसे ना वो ऐसे ही वेस्ट होते रहेंगे। तो गाइज, आपको एक थोड़ा सा नॉलेज होना चाहिए स्मार्टफोन जब भी बाय करें, और खास करके जो प्रोसेसर होता है ना उसका। अभी मार्केट के अंदर जितने भी स्मार्टफोन आ रहे हैं उनके अंदर जो अलग अलग कंपनियों के जो प्रोसेसर लगे हैं, काफी अच्छे प्रोसेसर लगे हैं, लेकिन फिर भी आपको नॉलेज होना चाहिए अगर आप एक अच्छा स्मार्टफोन खरीदना चाहते हैं। तो इसके लिए आपके पास प्रोसेसर का नॉलेज और स्मार्टफोन के अंदर क्या क्या चीजें होनी चाहिए, इसका नॉलेज होना चाहिए, और इस पर मैं आगे आपको बताता रहूंगा, लगातार वीडियो डालता रहूंगा। अगर आप आने वाली वीडियो देखना चाहते हैं तो कमेंट करके दोस्तों जरूर बताना।